गाइस आज बनने वाले हमारे घर पर चिकन चंगेजी। अब ये चिकन चंगेजी का चिकन हमने वॉश कर लिया है पानी से अच्छे से। उसके बाद ये मसाले हैं यहाँ पर, ये लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, नमक, ये कश्मीरी मिर्ची, ये जीरा पाउडर, ये दही हो गया, और ये टमाटर का पेस्ट हो गया, ये हो गया लहसुन। उसके बाद हमने प्याज काट के रख लिया पहले से ही। उसके बाद लहसुन डाला हमने इसके अंदर, ये हो गया टमाटर का पेस्ट। और इन सबको मैरिनेट कर लेंगे। ये लास्ट में गाइस ये हमने प्याज पहले से क्रॉक करके रख लिया था, ये ड्राई फ्रूट। अब आगे का हम अपग्रेड करते हैं। ऑयल तेल गर्म होने के बाद अब प्याज डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा प्याज को हम सुनहरी कर देंगे। अब डाल रहे हैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। जब प्याज सुनहरी हो जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे इसमें से, जैसा बने रहे ब्लॉक के अंदर। गाइस हमने प्याज निकालनी है सुनहरी करके। अब मसाला डालने की तेज, और मसाला डालना है ये लहसुन और अदरक। उसके बाद हम डालने वाले हैं मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला। ये पानी, प्याज नूरी होने के बाद इसको पेस्ट करके हम डालेंगे। ठीक है भाई, अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे, इसको पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ इसको पीसने के लिए हम रात पे दूध डालेंगे। बेक किया, पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे जो मसाला रखे थे हमने। गाइस अभी हमने जो मैरिनेट करके रखा था अपना चिकन, उसको अब हम फ्राई करेंगे। हमने इसको आधे घंटे के लिए रखा था मैरिनेट करने के लिए। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।